वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां भीषण आग लगने की खबर है। रथैन लाने के पास एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, जहां दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर आग जल रही है। स्क्रैप गोदाम जिसमें अचानक ये भीषण आग लगी, आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भयानक आग लगी है। आग की ऊंची उठती हुई लपटें, धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू किया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्क्रैप गोदाम में आग लगने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कबाड़ गोदाम जिसमें आग लगी है। जम्मू कश्मीर में आग का ये तांडव रथैन इलाके के पास स्क्रैप गोदाम में देखा गया। देर रात की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक उधमपुर में स्क्रैप गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई। काफी देर तक अफरा तफरी मची, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू किया गया। आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी ये तस्वीरें सामने आई है, जहां रथैन इलाके के पास एक स्क्रैप गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। आग की ऊंची उठती हुई लपटें दूर तक देखी गई। काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उधमपुर का इलाका जहां एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। रथैन इलाके के पास ये स्क्रैप गोदाम, जहां अचानक से आग लग गई और पूरा ये गोदाम आग की जद में आ गया।